आज मैं भारत का संविधान अपने साथ लाया हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 146,385 शब्द अंकित हैं, और उसके अनुच्छेद 15 में जो बातें लिखी है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसको जरूर आपको सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हिंदी में इसका अर्थ है कि राज्य यानी सरकार किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। भारत का संविधान देश के 140 करोड़ भारतीयों को बराबर मानता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जब नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट पे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करती है तो तमाम मुस्लिम देश इसके विरोध में भारत के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं? उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर लोगों की हत्या कर दी जाती है, और देश का एक खास वर्ग और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी नाराजगी जताता है। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो इस पर देश में सन्नाटा छा जाता है। कहा जाता है कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ये क्रिएटिव फ्रीडम है, इस पर किसी को कैसे कोई आपत्ति हो सकती है? क्या धार्मिक अपमान को लेकर ये दोहरे मापदंड नहीं है? ये सवाल मेरा आपसे है। ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि फिल्म मेकर लीना मनी मैकलई ने अपनी एक नई डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें देवी काली का अपमान किया गया है। हम आपको इस फिल्म का विवादित पोस्टर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, और उनके एक हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा भी है। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है। हर रोज जब मैं आपके सामने आता हूं तो मेरी कई जिम्मेदारियां होती हैं। हम टीवी न्यूज को रेगुलेट करने वाली संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की गाइडलाइन का को पूरी तरह से मानते हैं, उनका पालन करते हैं। हम आपको किसी आतंकवादी का इंटरव्यू नहीं दिखाते, डेड बॉडी की तस्वीरें भी नहीं दिखाते, खून नहीं दिखाते, और गंभीर मामलों में पीड़ित की पहचान भी नहीं बताई जाती। इसके अलावा शराब और धूम्रपान की तस्वीरें भी हम नहीं दिखाते, और हिंसक घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हुए भी हमें कई दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, और ये गाइडलाइन सभी न्यूज चैनल्स पर लागू होती हैं। और आज भी हम आपको इस फिल्म का ये पोस्टर बिना ब्लर किए इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हम कई तरह की जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी करते हैं। सोचिए, हमारे देश में न्यूज चैनल पर धार्मिक भेदभाव का बढ़ावा देने का जो आरोप लगता है उसमें हिंदू मुस्लिम करने के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि जब मनोरंजन के नाम पर फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हमारे देश के डिजाइनर बुद्धिजीवी इस पर मौन क्यों हो जाते हैं? वो भी तब जब ये ऐसा असर करता है जैसे लोगों के DNA में धार्मिक नफरत का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। विडंबना यह है कि जो देश धार्मिक सहनशीलता के मुद्दे पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उन्हीं देशों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के इस अपमान को बढ़ावा दिया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट्री में देवी काली का अपमान किया गया है वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी है। कनाडा वही देश है जहां से कई खालिस्तानी संगठनों को आर्थिक मदद मिलती है, यानी एक तरफ ये देश भारत को ये बताते हैं कि उन्हें उन सभी धर्मों का उन्हें सम्मान करना चाहिए, सीखना चाहिए, भारत को ये बताया जाता है, और दूसरी तरफ यही देश ऐसी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए मंच सजाते हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। इसलिए आज आपको इन देशों का असली चरित्र भी समझ लेना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मनी मैकलई ने बनाई है, और उनका कहना है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि इसे वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मानती है। अब सवाल यह है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी धर्म के आधार पर कैसे अलग अलग हो सकती है? उदयपुर में कन्हैया लाल अगर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करते हैं तो उनका सिर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन तब कोई ये नहीं कहता कि कन्हैया लाल की हत्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है।
इसी तरह अमरावती में उमेश कोल्हे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। तो क्या हम ये मान लें कि भारत में कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे जैसे हिंदुओं के पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है? ये अधिकार केवल उन लोगों के पास है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और इसे क्रिएटिव फ्रीडम बताते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री कनाडा में चलाए जा रहे एक सामाजिक अभियान के तहत बनाई गई है जिसका नाम है अंडर द टेंट। इस अभियान का मकसद है कनाडा में मौजूद अलग अलग संस्कृतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। लेकिन फिल्म मेकर लीना मनी मैकलई ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें देवी काली का अपमान किया गया है, इसलिए यहां यह भी सवाल है कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में हिंदू देवी का अपमान करके कौन सी संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहती हैं। और सोचिए कनाडा में जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हिंदू धर्म की संस्कृति को जानेंगे उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कैसी भावना होगी, वो हिंदू संस्कृति को उसी रूप में देखेंगे जो रूप इस डॉक्यूमेंट्री में पेश किया गया है। इसलिए हमें लगता है कि आज इसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है और इस मामले में आज गृह मंत्रालय को भी एक शिकायत भेजी गई है जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मनोरंजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं की गलत छवि पेश करके उनका अपमान किया गया है। हमारे देश में ज्यादातर व्यवस्था धर्म के आधार पर बढ़ चुकी है, खाना धर्म के आधार पर बढ़ चुका है, रंग धर्म के आधार पर बढ़ चुके हैं और यहां तक कि पहनावा भी धर्म के आधार पर बट गया है। सिर्फ एक देश का संविधान है और कानून ही है जिसका धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब इस पर भी बंटवारा शुरू हो गया है और इसे आप इन दो तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये जो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसे हम दिखा रहे हैं, इनमें से एक तरफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी है और दूसरी तरफ कन्हैया लाल है। दोनों ही लोगों को धार्मिक अपमान के मामले में आईपीसी की धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी के बाद वो जेल से बाहर आ गए और उन्होंने एक रियलिटी शो भी जीत लिया, जबकि कन्हैया लाल की जेल से बाहर आते ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना फैशन क्यों बन गया है। कुछ फिल्मी लोग मुफ्त की पब्लिसिटी पाने के लिए ये कर रहे हैं, ये कुछ दिनों से अब सामने आ रहा है और सभी के ध्यान में आ रहा है। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, पर देवी देवताओं को भी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से हमारे आस्था के साथ श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो भरे चौराहे में इनको जूते से मारना होगा। ये भावना हमारी नहीं, लोगों की भावना है और पब्लिसिटी के लिए करोगे तुम। इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करना चाहते, पर केवल और केवल पब्लिसिटी अलग अलग मीडिया चैनल्स पर मिले इसके लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रावधान करने की आवश्यकता है कि ऐसा जो भी करेगा उसको ऐसी सजा मिले ताकि दूसरा कोई फिल्म वाला करने की हिम्मत ना करे। किसी भी धर्म गुरु या किसी भी धर्म में माने जाने भगवान के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावना को आहत हो। ना हिंदुओं के भगवानों के साथ ऐसा करना चाहिए, ना मुस्लिम के भगवान के साथ करना चाहिए। कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा ने किया, देखिए देश के अंदर कितनी हत्याएं हुई, कितने दंगे फसाद हुए, आज ये कर रही हैं। इससे जो है बिना वजह हमारे देश के अंदर जो है माहौल ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। तो मैं इस तरीके के सभी लोगों से कहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए जो है अपनी कला के अंदर जो है जो भी करें करें, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें।